आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता दें कि एनसीआर के लगते क्षेत्र में जैसे जैसे कोविड 19 अपना तांडव मचा रहा है, वैसे वैसे सोनीपत जिले के कई स्थानों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ सिविल अस्पताल में एक हाई लेवल मीटिंग की। सोनीपत जिले में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट के मालिक राजवीर दहिया ने भी सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। सोनीपत के कार्यकारी जिला उपायुक्त अशोक कुमार बंसल, सीएमओ जेएस पुनिया और अन्य डिप्टी सर्जन मौजूद रहे। मीटिंग में अधिकारियों ने निजी अस्पताल संचालकों को आदेश दिया है कि उनके पास जितने भी बैठे हैं उनको उतनी ही ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, वहीं जिले में कोई भी पैनिक ना हो उसके लिए अलग से एक मॉनिटरिंग टीम तैनात कर दी गई है, ताकि सभी अस्पतालों को उनके मरीजों के हिसाब से ऑक्सीजन वितरित किए जाएं।